इसे फिजिक्स यूज करनी पड़ेगी। फिजिक्स वही तो मैं देखती हूँ, फिजिक्स हम लोग बचपन इतने खेले है ना। गया नहीं गया गया गया, गया। मेरे तीन एक थोड़ा सा चला हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी जस्ट मैंने पूजा ख़त्म किया है और नहा धोने के बाद सारे घर के काम कर लिए थे, उसके बाद पूजा कर लिया है, उसके बाद अभी अपने लिए चाय वगैरह कुछ बनाऊंगी। तो व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मेरे पास शिवलिंग नहीं था और कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मैं जल डाल सकूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। और मेरे पास सिर्फ ये फ़ोटोज़ होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। और शिवलिंग पता नहीं मेरा, मतलब मुझे लगता है कि घर में नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को अगर पता होगा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि घर में शिवलिंग रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्योंकि मैंने शुरू से ये चीज़ देखी है ना कि घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मन में ये रहता है कि पता नहीं रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो ये चीज़। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे करी है। और फाइनली मुझे ये बेलपत्र वगैरह मिल गए थे, तो यहाँ तो सब कुछ मिल ही जाता है, जो जो काम की चीज़ें होती हैं ना। जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, जैसे अब घर से बाहर निकलोगे, पूरा मार्केट में ऐसे सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। इतना मुझे नहीं लगता गाँव में भी चीज़ें मिल जाती होंगी इतनी ईजिली। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये तो धूप जलाई हुई है, और ये सम्रानी वाला है जो मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये वैसा है। और साथ में ये मैंने यहाँ पे मैंने जल डाला है, तो ये बर्तन में डाला है क्योंकि सब पानी तो फैल जाता ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने शिव जी को देखते हुए, यहाँ पर शिव जी हैं जो हरिद्वार वाले शिव जी हैं, तो इनको यहाँ पर देखते हुए मैंने यहाँ पर जल डाला है। बेलपत्र फूल सब कुछ यहीं चढ़ाया है मैंने। और मेरे पास वैसे वाले नहीं है ना जिस पे मैं मतलब उनको बैठा के जल डाल सकूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे ही पूजा कर लिया जैसा भी था मेरे साथ, मतलब मेरे पास जितना कुछ था वैसे मैंने पूजा कर लिया है। ओ भाई ये देखो कितना मस्त लग रहा है। हाय सो गाइस, यहाँ पे किचन में अभी सिर्फ ये व्रत वाले मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मखाने की खीर बना रही हूँ। और इसमें मैंने क्या किया, तो मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है, तो यहाँ दूध मैंने इसमें डाल दिया था, और ये मखाने मेरे पास मैंने घी में फ्राई करके रखे हुए थे, तो इसको क्रश करके इसमें डाल दिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखा है, पतला वाला नहीं रखा है। और बस कुछ नहीं, थोड़ा और इसमें क्या बोलते हैं वो छोटी इलायची इसमें डाली है, बस इतने को डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मखाने की ही खीर है। तो ये शिव जी के लिए प्रसाद भी हो जाएगा और मैं भी बाद में यही खा लूँगी, क्योंकि मैं मंडे के दिन कुछ खाती नहीं हूँ ना, तो यही सब बस खा लूँगी, हो जाएगा मेरा फास्ट का। और प्रसाद तो बनाना ही था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो यही बना दिया मैंने। और ये दूध जो मैंने चढ़ाया था उसमें से इतना बच गया था, तो मैंने इसको बॉयल कर दिया है। यार जब भी शिवरात्रि आती है ना, मुझे अपने बचपन की याद आती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता था ना, हमारे घर के सामने एक शिव मंदिर था, तो मेरे पापा उसकी बहुत मतलब केयर वगैरह सब वही करते थे, शिवरात्रि के टाइम उसको डेंट पेंट कराना, और वहाँ पे जैसे कीर्तन वगैरह होता था, मेला लगता था, तो इतना बचपन की यादें है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे हम गेम भी खेलते थे, मतलब वो जो मेले में गेम नहीं होते वैसे वाले गेम्स खेलते रहते थे। कचालू मिलता था, घुघनी बोलते हैं हमारे साइड में मटर को, तो घुघनी भी मिलता था खाने के लिए, जलेबी, इतनी सारी चीज़ें मिलती थी ना, और 50-50 पैसे में खरीदते थे, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता था, मैक्सिमम 1 रुपये मिल जाता था। तो बचपन की यादें सिर्फ शिवरात्रि के टाइम ही याद आती है मुझे, कि शिवरात्रि मतलब बहुत ही अच्छा था हमारा, बड़े होने के वास्ते, शादी वादी होने के वास्ते इतना कौन याद रखता है इस सब चीज़ों को। तो सुबह से उठ के भाई पूजा वगैरह ही हो गया था, तो किचन में अभी खाना कुछ खास नहीं बनाया। शाम को मैंने मुंगोड़ी बनाई थी, तो नितिन का मन ही नहीं कर रहा खाने का, मैंने बोला फास्ट ही रख लो अगर मन नहीं कर रहा तुमको, तो कह रहा फास्ट तो मैं कभी जिंदगी में नहीं रखा हूँ, तो ये तो वैसे भी नहीं रखूंगा।
और मैंने मैक्सिमम लड़कों को देखा है कि शिवरात्रि का फास्ट जरूर रखते हैं, लेकिन यहाँ तो कभी, मतलब कभी नहीं फास्ट रखा इन्होंने। तो यार उसके बाद से तो नितिन का वही सब्जी रखा हुआ है, मैंने बोला अगर कुछ खाओ तो बनाऊं मैं, नहीं तो फिर फेंकने के लिए तो बनाऊंगी नहीं ऐसे, क्योंकि अकेले के लिए बनाना है और मेरे लिए ही हो जाएगा। और फ्रूट्स खा लूंगी, क्योंकि आज के दिन मैं मतलब सिर्फ फ्रूट्स लेती हूँ, या दूध ले लिया या फिर मखाना ले लिया या ड्राई फ्रूट कुछ ऐसे ही खाती, ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। मतलब कई लोग सेंधा नमक खाते हैं ना, पर मैं नहीं खाती। वैसे मंडे के फास्ट में सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसा ही हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था। और पूजा करने वास्ते छत पे चली गई थी मैं, छत पे आधा घंटे टहली हूँ, नितिन यहाँ फ़ोन पे थे तो ये गया ही नहीं आज। तो देख सकते बातों बातों में यहाँ पे खीर बन चुका है, बस थोड़ा सा और इसको बॉईल करना है। तो ये तो बहुत जल्दी बन जाता है मखाने का खीर। और वैसे खीर पता है मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि नितिन खाते ही नहीं खीर, मतलब मीठा तो खाना ही नहीं होता है। और प्रसाद के लिए भी अगर आप बनाओगे भी ना तो थोड़ा सा ही बनाना होता है, ज़्यादा कौन खाएगा। मतलब प्रसाद ऐसी चीज़ होती है ना, बनाओ तो उसको पूरा ख़त्म भी करो, तो बस उतना ही बनाया है। और आज मैंने ये ग्रीन ग्रीन सा सूट पहना हुआ है, तो शिव जी की पुजारन बनी हुई हूँ आज। ये देख सकते हैं इतना मुझे बुरा लग रहा है ना यहाँ पे। तो ये जैसे मैंने इसको एकदम, एक फिश मेरी यहाँ बची हुई है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया ताकि यहाँ पे थोड़ी सी सर्वाइव कर जाएगी, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, भगवान जाने। ये तो वैसी वाली फिश है ना जो गंदगी खाती है, तो ये वाली फिश है। और यहाँ पूरा का पूरा एक्वेरियम मेरा खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, एक भी मछली नहीं बची है, इतनी गंदी वाली मतलब इनकी वो हुई है ना, इतना बुरा लग रहा था, मतलब इतना मैं रोई इस चीज़ के लिए, एक भी फिश नहीं है इसमें, एकदम सूना सूना हो गया। यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, और इसमें ड्राई फ्रूट में सिर्फ बादाम डाला है, किशमिश डाली मैंने, ये तो अपने ऊपर होता है जो आपको खाना आप डाल सकते हो। तो मैंने थोड़े से बादाम और किशमिश डाल दिया और इसको बस चला देती हूँ ऐसे ही। तो देख रहे हैं गाढ़ा हो गया है। और इसको आप क्रश करके भी डालते हो, कई लोग क्रश करके डालते हैं, पर मुझे ना वो थोड़ा सा खाने में चाहिए होता है। मैं प्रसाद की बात कर रही हूँ यहाँ, खाने की बात कर रही हूँ। एक्चुअली यार प्रसाद ही ऐसी चीज़ होती है ना, सबसे ज़्यादा मन करता है खाने को, ये तो रियलिटी है। तो भगवान जी का प्रसाद कोई भी हो, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता ही है। तो इसको बस ऐसे ही बनाना है, थोड़ी देर और पकेगा, उसका चीनी डाल के इसको बंद कर दूँगे। तो यार फाइनली यहाँ पे बन गया है ये, अब इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि पूरा जितना मुझे चाहिए था ना उतना बन गया, और वैसे भी ये जम जाता है, इसको रखूंगी ना तो जम जाएगा। तो यहाँ शाम के लिए मैंने प्रसाद रेडी कर लिया है, बस शाम को भोग लगाऊंगी, आरती करूंगी, पूजा मेरी कंप्लीट हो जाएगी। गाइज अभी मैं एक गेम खेलने जा रही हूँ जो कि मैं बचपन से खेलती हूँ, मतलब बचपन में खेलती थी, अब नहीं खेलती हूँ, पर मुझे उस गेम की बहुत याद आ रही थी। और हमेशा शिवरात्रि के टाइम हम खेलते थे उसमें, और उस वक्त हम 20-50 रुपए भी जीतते थे ना तो हमारे लिए ऐसा लगता था करोड़ों की लॉटरी लगी हुई है। तो बचपन बहुत खेला हुआ है। फाइनली नितिन को मैंने बोला खेलो खेलो मेरे साथ, देखते मान गए हैं, खेलते हैं, देखते कितना कौन जीतता है। तो उसमें क्या होगा कि हम एक रुपये की कॉइन लेंगे, ठीक है, उस कॉइन को बाल्टी के अंदर एक ग्लास रखेंगे, पानी भरा हुआ बाल्टी रहेगा, उसके अंदर एक ग्लास रखेंगे कांच की, और उसमें एक सिक्का डालेंगे। अगर सिक्का ग्लास के अंदर गया तो एक बंदे को 10 रुपये मिलेगा, ठीक है, और अगर ग्लास के बाहर गया तो सिक्का तो वैसे ही बाल्टी में चला गया। तो देखते हैं 5-5 राउंड करते हैं, कौन जीतता है, कितना मतलब कितना पैसा कौन जीतता है। वैसे तो छोटी बाल्टी सही थी, वो छोटी बाल्टी में मछलियों को मैंने बैठाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी बाल्टी रखी है, यहाँ पे ये ग्लास रखा है, ये ग्लास इसके अंदर है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपके पास ये 5 सिक्के हैं, ठीक है, आपके पास ये 5 सिक्के हैं 1-1 रुपए के। अगर आपने ये सिक्के उठा के इसमें डाला और ये ग्लास के अंदर गया तो आपके 10 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। और सेम मैं भी करूंगी, मैं भी अपने 10 रुपए बनाऊंगी, देखते हैं 1 रुपए से 10 रुपए बनाऊंगी, देखती हूँ बना पाते हैं। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं, हम सिक्का उठाइए, हाँ, पानी टच नहीं होना चाहिए, धीरे से डालो, देखो ओए। तो एक राउंड इनका गया, अब एक सिक्के, इनके पास सिर्फ 4 सिक्के बचे हैं, अभी मेरा सिक्का देखते हैं। पानी में नहीं आता ना चाहिए, पानी में नहीं जा रहे ना हाथ, ओ शिट यार गया। अब चलो तुम अपना करो, धीरे से धीरे बता, अब डालो, नहीं आया। तो
यहाँ पे मैं अपना सिक्का उठाते हुए, दो दो राउंड हो चुका है, पानी टच नहीं हो रहा ना। शिट, हो गया मेरा एक राउंड हो गया। अच्छा चलो तुम अपना करो। धीरे रुको, मुझे तुम बहुत नीचे से करे थे। नहीं टच, ओए ओए गया। तो गाइज यहाँ पे इनके सारे सिक्के चले जा चुके हैं, सिर्फ दो सिक्के बचे हैं। दो सिक्के में इनको 20 रुपये बनाने, मेरा एक सिक्का अंदर गया ठीक है, और फिर मैं अपना तीसरा वाला सिक्का डालने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है। नहीं गया, गया अंदर दोनों, चार बाहर है। बाइक बाइक और देखो, दो अंदर है ठीक है। अब तुम अपना करो, धीरे से बहू, धीरे से। हाय राम, कॉन्सेंट्रेशन, बहुत बचपन में जीता हमने। तो ये रहा हमारा सिक्का। ओए होए 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 होए, अरे गया शिट। अब तुम्हारा लास्ट राउंड है, आराम से डालो भाई, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। चलो 1 रुपया तो तुम्हारा, 10 रुपये तुम्हारे बने। तो ये मेरा लास्ट है, अब ये मेरी इज्जत बचाएगा। इसे फिजिक्स यूज करनी पड़ेगी, फिजिक्स, वही तो मैं देखती हूँ। फिजिक्स हम लोग बचपन इतने खेले है ना। गया नहीं गया, 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 गया। मेरे 3 एक तुम्हारे। हाँ तो यहाँ पे मेरे 30 रुपये बन रहे थे, इसे दे दो। हाँ तो अभी दे दोगे, कोई बात नहीं, खेलना हो गया, हो गए 5 ही रन। तो गाइज ये मैं दिखा रही थी, बचपन में ये गेम हमने बहुत खेले है। तो यार बचपन में क्या होता था ना, वो बाल्टी बहुत छोटी होती थी और उसके ग्लास इतने छोटे होते थे, तो इसलिए मैंने इतनी बड़ी बाल्टी ली है और उसमें ग्लास बड़े रखे हैं। तो यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार सिक्के में 3 सिक्का मेरा, 1 सिक्का नितिन का है। तो फाइनली नितिन मुझे 40 रुपये देंगे, 30 रुपये देंगे, 10 रुपये उनके, तो कट करने के बाद 20 रुपये मुझे मिलेगा। तो फाइनली ये मैं जीत गई, और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भोग लेके आ गई हूँ, तो देख सकते हैं भोग बना दिया मैंने। तो ये है मखाने की खीर। तो भोग रेडी हो गया है और शिव जी की आरती करूँगी, भोग लगा दूँगी, उसके बाद पूजा मेरा ख़त्म हो जाएगा शाम का। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली पूजा हो गई हमारी, तो अभी पूजा हो गई है और प्रसाद वगैरह खा लेते हैं, और सोच रहे इस ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो चलिए नितिन प्रसाद तुमको अभी दो, अभी नहीं लोगे तो अभी थोड़ी देर बाद ही उठाऊंगी, क्योंकि अभी जस्ट चढ़ाया है ना, तो टाइम थोड़ा सा मतलब छोड़ देती हूँ 1/2 घंटे के लिए, उसके बाद खा लेंगे। सो गाइस ये थी मेरी आज की ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय।